आ गया और तेरी बीवी ने तुझे खूब डांटा ना? अरे अम्मा, तुम्हें कैसे पता? अरे मुझे सब पता है, मेरी चिंता छोड़ दे। अच्छा अम्मा, छोड़ो उन बातों को, चलो मैं तुम्हारा जो काम बाकी है उसे पूरा कर देता हूँ। अब बीज छींटना होगा, जुताई तुम्हारे खेतों की हो चुकी है। हाँ ये ले बीज, बीज लेकर मैं आई हूँ, इस टोकरी में बीज है। मैं अब जा रहा हूँ अम्मा, कल आऊंगा, एक बार पानी इसमें डाल दूंगा, बस मेरा काम खत्म हो जाएगा। अच्छा कल आओ फिर। अम्मा अब तुम्हारे फसलों को पानी की जरूरत अभी नहीं होगी, कम से कम 10-15 दिन बाद होंगी, तब मैं आ जाऊंगा। अभी मैं जाता हूँ अम्मा, और मुझे भी अपने खेतों के लिए बीज लाने हैं, तो मैं कहीं मजदूरी करूँगा, पैसे मिलेंगे तो बीज ले आऊँगा। अरे ये ले ये बीज, और ये बीज मटके में है। मटके में ये कैसे बीज है? अम्मा ये तो मछली के छोटे छोटे बच्चे हैं। हाँ तुझे जितनी बड़ी जमीन मिली है वहाँ पे एक तालाब बना दे, छोटा सा ही, और उसमें मछलियों को छोड़ दे, ये मछलियाँ बड़ी हो जाएंगी और ये तेरे लिए ढेर सारी खुशियाँ लाएंगी। और सुनो, अपनी पत्नी को कहना अम्मा ने कहा है उसकी फसल में आधा हिस्सा तुम्हारा होगा। अच्छा अम्मा, मैं कह दूंगा। अरे बिजली कहाँ हो? आ रही हूँ, ये क्या लेकर आए हो मटके में? अरे बिजली, इसमें छोटे छोटे मछली के बच्चे हैं। क्या करना है इसका? अरे एक बूढ़ी अम्मा मिली थी मुझे जंगल में, उन्होंने कहा कि जो छोटी सी जमीन है उसकी खुदाई कर दो और वहाँ पर ये मछलियों को डाल दो, तुम्हें अच्छी फसल मिलेगी। अच्छा अब तो खुदाई करना होगा, चलो हम दोनों मिलकर खुदाई कल करते हैं और उसमें पानी भर देते हैं। अरे भाई कालू, तुझे कहाँ से मिले? अरे भैरव, तेरे पास हीरे कहाँ से आए? अरे कहाँ से आए का क्या मतलब है, वो हीरे मेरे हैं। भैरव तेरी औकात मुझे बहुत अच्छे से पता है, ये हीरे तूने कहाँ से चुराए, सच सच बता दे। अरे नहीं नहीं मालिक, कहीं से नहीं चुराए मालिक, ये हीरे मेरे ही है। नहीं ये हीरे तेरे नहीं है, लेकिन हाँ अभी मुझे नहीं पता किसके हैं, जिस दिन पता चल गया उस दिन तू हवालात की सैर में होगा, याद रखना। और सुन, फिलहाल के लिए इस पौधे को मरने से बचाया भी कालू ने था, और कालू ने इस पौधे को पाल पोस कर बड़ा किया है, इसलिए ये पौधा कालू का है, तेरा नहीं है, और इस पौधे पर लगने वाले फल का भी हकदार कालू है, तू नहीं है। और अगर तूने आज के बाद परेशान करने की कोशिश की कालू को, तो मैं तुझे हवालात की सैर करवा दूंगा,
क्योंकि तूने कहीं से ये हीरे जरूर चुराए हैं। ये तो ना इंसाफी है, मुझे कुछ तो मिलना चाहिए, आप तो कुछ भी नहीं दे रहे हो। चोरी की चीज में किसी को कुछ नहीं मिलेगा, इसे पाल पोस कर बड़ा किया है कालू ने, ये कालू का हुआ। गुस्साई हुई बिजली कालू की तरफ बढ़ती है। कालू बरामदे में बैठा हुआ था। और कुछ काम धंधा है कि नहीं, छोटे से जमीन में क्या उगाओगे? अरे बिजली, क्या करूं, उस छोटे से जमीन में जो फसल होगी वही उगा लूंगा, तुम परेशान मत हो। अरे परेशान न हो तो क्या हूँ, कैसे भाई है तुम्हारे, इतने बड़े बड़े उनके पास जमीन है और तुम्हारे पास ये छोटा टुकड़ा, ये बंटवारा कैसा है? ये बंटवारा तो बिल्कुल भी सही नहीं है। अरे बिजली तुम परेशान मत हो, मैं खुद ही बहुत बड़ा घर और बहुत सारी जमीनें तुम्हें दूंगा। अरे कहाँ से दोगे, एक छोटी सी जमीन है, उस जमीन पर ऐसा कौन सा फसल उगा लोगे तुम कि मुझे महल लाकर दे दोगे? चलो कोई नहीं, मैं खाना बना देती हूँ, तुम जाओ उस जमीन पर कुछ तो फसल लगा दो। अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ खेत पर ही, तुम पोटली लेकर आ जाना खाने की। अच्छा ठीक है जाओ। अरे क्या बोलूं, इस खेत की तो मिट्टी भी ऐसी है जिसमें जल्दी कोई फसल उगेगी नहीं, फिर भी इसकी कुड़ाई करना शुरू कर देता हूँ। ये लो खाना। अरे इसमें तो सिर्फ चावल और प्याज है। तो क्या करूं, कुछ है ही नहीं, जो रहेगा वही तो दूंगी। अच्छा कोई बात नहीं है, मैं इसे खा लेता हूँ, कुड़ाई तो हो गई है, अब बीज बोने की बारी है। कहाँ से बीज बोओगे, घर में तो एक रुपया नहीं है, पैसे रहेंगे तभी तो बीज बोओगे। अरे बिजली तुम बेकार में परेशान होती हो, मैं कोई मेहनत मजदूरी देख लूंगा ना, मैं देख लूंगा, मुझे कुछ ना कुछ बीज के लिए पैसे जरूर मिल जाएंगे, तुम परेशान मत हो। ठीक है जैसी मर्जी तुम्हारी। अरे ओ कलुआ, ओ कलू इधर आ जा। आया भैया आया। और तुम्हारी खेती बाड़ी कैसी चल रही है? भैया मैंने कुड़ाई कर दी है लेकिन बीज के लिए पैसे नहीं है। ओहो पैसे नहीं है तो फिर पैसे कमाना सीख। क्यों भाई? हाँ हाँ ठीक कह रहे हैं भैया। भैया कुछ पैसे दे देते तो मैं बीज छीट देता। अरे धुर ऐसा कहीं होता है, मैं तुम्हें काहे दूंगा बीज, चल हट यहाँ से फुकरे कहीं के। भैया ऐसा क्यों बोलते हो, माँ बाबा की जमीन को आप लोगों ने गलत तरीके से बांट लिया, मुझे एक छोटी सी जमीन दी और माँ बाबा के पैसे में भी कोई हिस्सा नहीं दिया। अरे इसकी तो जवान हो रही है रे छोटे। अरे भैया कहो तो धुंधू यहीं पे, मजा आ जाएगा, बहुत दिनों से हाथों में खुजली हो रही थी। अरे लगता है रे, चल थोड़ा धुनाई करते हैं इसकी, मजे लेते हैं और क्या। ये ले मुझे भी दो लात, मैं भी मारूंगा। अरे भैया तुम लोग ऐसे मत करो। हाँ अगली बार
अगर नाम भी लिया ना तो बहुत बुरा हाल करूंगा, समझा कि नहीं? चल जा यहाँ से। अरे न जाने कौन से कर्मों की सजा मिल रही है मुझे। माँ बाबा जब जिंदा थे तो कितना अच्छा था, कोई भाई ऐसे नहीं करते थे, लेकिन माँ बाबा के मरते ही दोनों भाइयों ने आखिरकार मुझे घर से भी बाहर निकाल दिया। अरे तू यहाँ बैठे बैठे रो रो कर मेरी नींद क्यों खराब कर रहा है? अरे बूढ़ी अम्मा, अब तुम्हें भी तकलीफ होने लगी मुझसे। अरे मेरी एक जमीन है, उस पे मुझे एक मजदूर की जरूरत है, तू मजदूरी करेगा क्या? हाँ माँ, मैं भी तो काम ही ढूंढने के लिए निकला था, बीज खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। अच्छा चल मेरे साथ जरा। ये है मेरी जमीन, इसकी खुदाई करनी है। अम्मा ये तो एक दिन का काम नहीं है, ये तो बहुत बड़ी जमीन है। हाँ कोई नहीं, इसकी खुदाई शुरू कर दे। ठीक है अम्मा। लेकिन मेरे पास पैसे वैसे नहीं है। अम्मा मैं तो काम ढूंढ रहा था पैसों के लिए। तो फिर जाने दे, जा तू। अरे नहीं अम्मा, अब तुमने बुलाया है तो मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। देख ले, घर जाकर कहीं डांट ना पड़े। अरे अम्मा कुछ नहीं होगा। अम्मा अब बाकी के कल कर दूंगा, मुझे लगता है यहाँ एक दो दिन और लगेंगे। अरे कहाँ थे दिन भर, कहीं मजदूरी कर रहे थे क्या? हाँ मजदूरी तो कर रहा था। तो बीज लेकर आए हो? अरे नहीं, वो बूढ़ी अम्मा के पास पैसे नहीं थे। अरे ये क्या है, पैसे नहीं थे? जब पैसे नहीं थे तो तुमने काम क्यों किया, क्यों अपना वक्त बर्बाद किया? तुम्हारी इन्हीं हरकतों से मैं परेशान रहती हूँ। अरे बिजली ऐसा मत कहो, वो बिचारी बड़ी दुखी थी और उनकी जमीन भी काफी बड़ी थी, कोई भी बिना पैसे को करने को तैयार नहीं था। तुम्हारी तो मत मारी गई है, चलो जो मन में आए वो करो, आज खाने को घर में कुछ भी नहीं है इसलिए कुछ भी नहीं बना है, जाकर सो जाओ। बिजली मेरी वजह से दुखी रहती है, पर क्या करूं, क्या उपाय निकालूं, कुछ तो समझ में ही नहीं आता है। आ गया, और तेरी बीवी ने तुझे खूब डांटा ना? अरे अम्मा तुम्हें कैसे पता? अरे मुझे सब पता है, मेरी चिंता छोड़ दे। अच्छा अम्मा छोड़ो उन बातों को, चलो मैं तुम्हारा जो काम बाकी है उसे पूरा कर देता हूँ। अब बीज छींटना होगा, जुताई तुम्हारे खेतों की हो चुकी है। हाँ ये ले बीज, बीज लेकर मैं आई हूँ, इस टोकरी में बीज है। मैं अब जा रहा हूँ अम्मा, कल आऊंगा एक बार, पानी इसमें डाल दूंगा, बस मेरा काम खत्म हो जाएगा। अच्छा कल आओ फिर।
अम्मा अब तुम्हारे फसलों को पानी की जरूरत अभी नहीं होगी, कम से कम 10-15 दिन बाद होंगी, तब मैं आ जाऊंगा। अभी मैं जाता हूँ अम्मा, और मुझे भी अपने खेतों के लिए बीज लाने हैं, तो मैं तो कहीं मजदूरी करूँगा, पैसे मिलेंगे तो बीज ले आऊँगा। अरे ये ले ये बीज, और ये बीज मटके में है। मटके में ये कैसे बीज है? अम्मा ये तो मछली के छोटे छोटे बच्चे हैं। हाँ, तुझे जितनी बड़ी जमीन मिली है वहाँ पे एक तालाब बना दे छोटा सा ही, और उसमें मछलियों को छोड़ दे। ये मछलियाँ बड़ी हो जाएंगी और ये तेरे लिए ढेर सारी खुशियाँ लाएंगी। और सुनो, अपनी पत्नी को कहना, अम्मा ने कहा है उसकी फसल में आधा हिस्सा तुम्हारा होगा। अच्छा अम्मा, मैं कह दूंगा। अरे बिजली कहाँ हो? आ रही हूँ। ये क्या लेकर आए हो मटके में? अरे बिजली, इसमें छोटे छोटे मछली के बच्चे हैं। क्या करना है इसका? अरे एक बूढ़ी अम्मा मिली थी मुझे जंगल में, उन्होंने कहा कि जो छोटी सी जमीन है उसकी खुदाई कर दो और वहाँ पर ये मछलियों को डाल दो, तुम्हें अच्छी फसल मिलेगी। अच्छा, अब तो खुदाई करना होगा। चलो हम दोनों मिलकर खुदाई कल करते हैं और उसमें पानी भर देते हैं। अरे अरे ताजी मछलियां हैं, ले लो भाई ले लो। अरे आज बहुत दिनों बाद पैसा देखा है मैंने। अरे वाह, आज तो आप ढेर सारा राशन लेकर आए हो। इतने दिनों से तो जैसे तैसे जिंदगी चल रही थी। आज मैं मन भर कर अच्छा खाना बनाऊंगी। हाँ बिजली, आज अच्छा खाना बनाओ। अरे भाई कौन हो तुम लोग और यहाँ क्यों आए हो? हमें अम्मा ने भेजा है, बोला है ये फसल तुम्हारे हिस्से की है। अरे इतनी सारी फसल? हाँ। अजी आप देख क्या रहे हो, इन फसलों को मंडी ले जाओ, मंडी में बेचोगे तो अच्छी खासी कीमत मिलेगी। हाँ ठीक कह रही हो, हमारे घर में तो जगह भी नहीं है इतनी फसल रखने की। अरे छोटे देख तो ये कलुआ कितना बड़ा आदमी बन गया है। हाँ भैया, वही तो देख रहा हूँ। अरे भाई अब इससे थोड़ा पंगा नहीं ही लेना होगा। हाँ भैया ठीक कह रहे हो। भैरव कौवा चोरी की हुई एक पोटली लेकर रात में कहीं से चुपके चुपके आता है। अरे आज तो बड़ा माल कमा लिया है मैंने। हैं, बड़ी अच्छी इस बार हाथ लगी है। हैं, देखो तो चार चार हीरे हैं। इसे बेचूंगा तो रातों रात अमीर हो जाऊंगा।
हैं, अब चोरी नहीं करनी पड़ेगी मुझे, एकदम आराम से सांस से जीऊंगा। और लेकिन अभी मुझे इसे कहीं छिपाना होगा, अभी तो ढूंढते ढूंढते कोई भी आ सकता है, यहाँ छिपा देता हूँ इन झाड़ियों के बीच। हाँ हाँ, अब चलता हूँ यहाँ से। अरे बिजली, देर मत करो, जल्दी से मेरी खाने की पोटली दे दो, वरना मुखिया जी नाराज होंगे। तुझे पता नहीं है, आजकल वैसे भी वो बहुत गुस्से में रहते हैं। अरे इतने दिनों से मुखिया के खेत में काम कर रहे हो, क्या मिल रहा है तुम्हें? अरे वो छोड़ो, कर्जा लिया है तो कर्जा तो वसूल करना होगा ना, ऐसे कुछ नहीं चलने वाला। तुम मेरा खाना दे दो, मैं बस निकला। दे रही हूँ, खाना ही बना रही हूँ, मरे मत जाओ। अरे कालू, आजकल तू बड़ा सुस्त हो गया है, देख रहा हूँ मैं तुझे, बिल्कुल भी ठीक नहीं है ये। जाकर टाइम पर आया कर और समय पे आके समय पे काम किया कर। खेतों में कितना काम पड़ा है, देखा है कभी? अब मालिक मैं कर दूंगा, आप परेशान मत होइए मालिक, इतने सालों से मैं आपका काम कर रहा हूँ, क्या कभी कोई काम खराब करा है आपका? अरे तू इतने सालों से काम कर रहा है, इसीलिए तो मैं तुझे बर्दाश्त कर रहा हूँ, वरना अब तक निकाल दिया होता। अब जा, मेरे से बहसबाजी में वक्त बर्बाद मत कर, और जाकर जल्दी से खेतों में काम कर, बहुत बोलने लगा है तू। जा रहा हूँ मालिक, बस जा रहा हूँ। अरे बिजली के हाथों में बहुत स्वाद है, मजा आ जाता है खाना खाकर। री, आज तो मुझे माल मिलेगा माल, आज मैं हो जाऊंगा अमीर हमेशा के लिए। अरे अरे मेरे मेरे हीरे कहाँ चले गए? मेरे हीरे यहाँ पर, मैं किससे पूछूं? अगर किसी से पूछूंगा तो फंस जाऊंगा, मैं तो बोल भी नहीं पा रहा हूँ। ओहो, ये हीरा कहाँ गया? और ये कौन सा पौधा है? ये पौधा यहाँ पर कहाँ से आ गया? अरे क्या बात है भाई, बहुत परेशान लग रहे हो, कोई बात है क्या? और इस पौधे को ऐसे लात से क्यों मार रहे हो? अरे भैया क्या कहूँ, मेरी एक कीमती चीज थी यहाँ पर, आज आया हूँ तो नहीं देख रहा हूँ, और न जाने कहाँ से ये पौधा आ गया है। अरे ये तो अंगूर का पौधा लग रहा है। अरे मुझे अंगूर से क्या काम है, मुझे अंगूर नहीं चाहिए, मुझे मेरी वही कीमती चीज चाहिए। अरे भाई तुम्हारी कौन सी कीमती चीज थी यहाँ पर? अरे थी ना कुछ, वो कीमती थी, बहुत कीमती थी। जाओ जाओ यहाँ मेरे पीछे पड़े मत रहो, निकलो यहाँ से, कहाँ जा रहे थे तुम, जाओ। अरे भाई अगर तुम बुरा ना मानो तो इस अंगूर के पौधे को मैं ले लूँ। अरे ले जाओ, जो करना है इसके साथ करो, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है भाई चलो, उम्मीद करता हूँ तुम्हारी कीमती चीज तुम्हें मिल जाए। अरे ये क्या, कौन सा पौधा लेके आ गए हो? अरे बिजली ये अंगूर का पौधा है, एक कौवा मिला था रास्ते में, वो इसे कुचल रहा था, मुझे ये पौधा देखकर बहुत अच्छा लगा। वैसे तो ये कुचल गया है, अधमरा हो चुका है, देखता हूँ लगाकर, अगर ये बच जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। अरे हाँ कोई नहीं, हमारे यहाँ तो इतनी जगह है, मैं लगा दूंगी उसे। हाँ हाँ वही काम करो। अब इसमें थोड़ा पानी डाल दो बिजली।
हाँ हाँ मैं डाल दूंगी, मैं देखभाल भी कर लूंगी। अब तुम चलो खाना खाओ और कहीं अच्छी जगह मजदूरी पकड़ो ताकि घर में दो रोटी खाने को ढंग से हो पाए। अरे वो सब हो जाएगा, तुम परेशान मत हो बिजली, तुम बहुत जल्दी परेशान हो जाती हो। अरे बिजली, मैं मुखिया जी के खेतों पर जा रहा हूँ, तुम उस पौधे का ध्यान रखना। हाँ हाँ ध्यान रखूंगी, तुम परेशान मत हो। और ये लो तुम्हारा खाना। अच्छी सुनो तो, तुम तो उस पौधे को भूल ही गए हो, चलो तो देखो तो क्या हो गया है। अरे क्या हो गया है, अंगूर के पौधे में अंगूर लगे होंगे, और क्या होगा। अरे नहीं, ये अंगूर जैसे नहीं है, चलो। अरे ये तो अंगूर नहीं लग रहे हैं, और ये तो बहुत कड़ा है, ऐसा लग रहा है ये हीरे के गुच्छे हैं। अरे वाह, ये तो हीरे हैं। अरे वाह वाह, इसे बेचूंगा तो बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे। हाँ हमारे तो दुख ही दूर हो जाएंगे। अच्छा मैं इसे बेच कर आता हूँ। अरे कालू, इतने बढ़िया बढ़िया हीरे हैं, कहाँ से लाया। अरे जोहरी जी, कहीं से भी लाया हूँ, दाम बताओ। अरे दाम तो इतना है कि तेरी सात पुश्तें बैठ कर खाएंगी। ऐसे ऐसे कितने हैं? वो आप मुझ पर छोड़ दो, अभी तो इसके पैसे दे दो। अरे इसके पास इतना बड़ा घर, इतनी धन दौलत, अरे ये तो एक मामूली मजदूर है, अचानक से क्या हो गया, कहाँ से आ गए पैसे, मामला कुछ गड़बड़ है। अरे ये मेरे अंगूर के पौधे हैं, अब ये मुझे चाहिए। अरे कैसी बातें कर रहे हो भैया, ये तुम्हारे कैसे हुए। अरे मैंने उस दिन वहाँ हीरे छिपाए थे और वो हीरे ही इस पौधे में बदल गए। अरे ये पौधे को मैंने पाल पोस कर बड़ा किया है, तुमने तो उसे मार दिया था, ये मेरे हुए। तू ऐसे नहीं मानेगा, मैं पंचायत बुलाऊंगा, ऐसे काम नहीं चलेगा, मेरे पौधे तुम्हारे पास कैसे जा सकते हैं। अरे भाई कालू, तुझे कहाँ से मिले। अरे भैरव, तेरे पास हीरे कहाँ से आए। अरे कहाँ से आए का क्या मतलब है, वो हीरे मेरे हैं। भैरव तेरी औकात मुझे बहुत अच्छे से पता है, ये हीरे तूने कहाँ से चुराए, सच सच बता दे। अरे नहीं नहीं मालिक, कहीं से नहीं चुराए मालिक, ये हीरे मेरे ही हैं। नहीं ये हीरे तेरे नहीं हैं, लेकिन हाँ अभी मुझे नहीं पता किसके हैं, जिस दिन पता चल गया उस दिन तू हवालात की सैर में होगा, याद रखना। और सुन, फिलहाल के लिए इस पौधे को मरने से बचाया भी कालू ने था, और कालू ने इस पौधे को पाल पोस कर बड़ा किया है, इसलिए ये पौधा कालू का है, तेरा नहीं है, और इस पौधे पर लगने वाले फल का भी हकदार कालू है, तू नहीं है। और अगर तूने आज के बाद परेशान करने की कोशिश की
कालू को तो मैं तुझे हवालात की सैर करवा दूंगा, क्योंकि तूने कहीं से ये हीरे जरूर चुराए हैं। ये तो ना इंसाफी है, मुझे कुछ तो मिलना चाहिए, आप तो कुछ भी नहीं दे रहे हो। चोरी की चीज में किसी को कुछ नहीं मिलेगा, इसे पाल पोस कर बड़ा किया है कालू ने, ये कालू का हुआ। अरे ये तो मैंने महा गलती कर दी, क्या लत पड़ी थी, मैंने क्यों आखिर वहाँ छिपाया, ना मैं छिपाता और ना मुझे ये दिन देखना होता। और वो पौधा बार बार मेरे पैरों से लिपट रहा था, मैंने ही उसे कुचल दिया, मैंने अपनी किस्मत खुद ही खराब कर ली। अरे भैया भैरो थोड़ा रुको। अरे अब रुक कर क्या करूँगा, बताओ क्यों रोका। अरे भैया देखो तुम ये चोरी चकारी छोड़ दो और कुछ अच्छे काम करो। अरे अच्छे काम कहाँ से करूँ, मैंने भी सोचा था चार हीरे मुझे मिले हैं, अब चोरी चकारी छोड़ दूंगा, अब जिंदगी में शांति से जीऊंगा, लेकिन शांति से कहाँ से जीऊंगा। अरे ये लो मैं थैली भरकर हीरे लाया हूँ तुम्हारे लिए, तुम इन हीरो को ले लो और आज के बाद चोरी चकारी मत करना भाई। अरे वाह दे दो मुझे, नहीं नहीं एकदम नहीं करूँगा, कोई चोरी चकारी नहीं करूँगा, अब माफ कर दो भैया। अरे जौहरी भैया इसमें हीरे हैं हीरे, सारे ले लो और मुझे पैसे दे दो। अरे क्या बात है, इस गांव में हीरे पैदा हो रहे हैं क्या, हाँ देखूं तो सही। अरे भैया काहे मजाक करते हो, इसमें तो मिट्टी है मिट्टी, हीरा थोड़ी है। अरे लगता है मुझे बेवकूफ बनाया उसने, कोई नहीं आज नहीं तो कल उस जादुई हीरे के अंगूर के पौधे ही उखाड़ लूंगा, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। अरे रे बचाओ बचाओ, अरे कोई बचाओ मुझे बचाओ। अरे तुम्हें तो मैंने हीरे दिए थे। अरे भैया क्यों झूठ कहते हो, मिट्टी देकर मेरा मजाक बना रहे थे। अरे नहीं नहीं मैंने हीरे दिए थे, शायद तुम्हारे भाग्य में नहीं है इसलिए उसका आसरा छोड़ दो। अरे अभी तो मुझे जलने से बचाओ। अभी तो तुम सीधे जाकर नदी में डुबकी लगाओ, और कोई उपाय नजर नहीं आता है। अरे रे रे बचाओ कोई बचाओ। अरे अरे जान बची, अब नहीं आऊंगा, मेहनत करूंगा, मेहनत करके ही कमाऊंगा।